इसी के साथ ही रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। महंगाई और चालू घाटा चरम पर है। सीएम भूपेश ने कहा आगे कि बेरोजगारी चरम पर है। अमृतकाल के बजट का सार यही है। बजट में किसानों की आय दुगुनी करने कोई निर्णय नहीं। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। मनरेगा में 32% की कमी कर दी गई है। किसान सम्मान निधि में 12% की कमी की गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है महंगाई को लेकर के, और एक बड़ा बयान जो उन्होंने यहाँ पे दिया है जिसमें कई सारी चीजें उन्होंने बताई है, जैसे किसान सम्मान निधि में 12% की कमी। और सीएम भूपेश का ये बड़ा बयान है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि कई बात जो है इस तरीके की प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर सामने आ चुकी है, जहां पर उन्होंने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और एक बार फिर जो है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया महंगाई को लेकर, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कई सारी बातें जो है उन्होंने इसमें शामिल करी है। एक बार फिर आपको बता दें कि सीएम भूपेश का ये बड़ा बयान जो है सामने आ रहा है महंगाई को लेकर के, केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है।